sisters and brothers of America. Fills my heart with joy unspeakable. दोस्तों 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में क्या कहा था, कैसे देते थे वे उस समय भाषण, आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह कहानी है 11 सितंबर 1893 की, जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया। आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ अन्य वक्ताओं को भी, जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से निकला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सभी को स्वीकारने का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों व धर्मों के परेशान वो सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं, जिनके पवित्र धार्मिक स्थल को रोमन हमलावरों ने तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अब भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको वैदिक मंत्रों की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से याद किया और दोहराया है और जो करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप अलग अलग रास्ता चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी रास्ते भगवान तक जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है, जो भी मुझ तक आता है चाहे वह कैसा भी हो मैं उस तक पहुँच जाता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक पहुँचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और हट धर्मिता लंबे समय से इस सुंदर धरती को अपने सिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने धरती को हिंसा से भर दिया। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ और न जाने कितने देश नष्ट हुए। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी लोगों, हर तरह के दुखों और सभी मनुष्यों के बीच दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के इस भाषण की ऑडियो आवाज आजकल खूब प्रसारित हो रही है। भाषण यह है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. इस भाषण में स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. उन्होंने आगे कहा, And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands. दोस्तों, यह रिकॉर्डिंग सत्य है या फिर कुछ और, यह आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए। And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism,
of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings.